आप सभी को गुरु माइकल चैनल में स्वागत करता हूं टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड लेंथियस्ट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर व्हाई डू आई से सिग्निफिकेंट टॉपिक बिकॉज यू मे एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन योर क्लास टेंथ प्लस टू और वी कॉल इट सीनियर सेकेंडरी एंड ऑल्सो In all the competitive examinations in life, much more than that, we will have to use it in our daily conversations. The topic that I call significant is narration, or we call it speech or direct or indirect speech. In this video, we will have the introduction to the narration. If you

अलग अलग नाम से उसे कहते हैं इट हैज डिफरेंट नेम्स जैसे पहला नाम जो अधिकतम जो प्रचलित है वो है नेरेशन नेरेशन का मतलब टू कन्वे और नेरेट टू कन्वे और नेरेट स्टोरी टू एन ऑडियंस इसका मतलब कोई कहानी हो सकता है या कुछ घटनाएं हो सकता है उसे किसी एक एक व्यक्ति हो सकता है एक से अधिक व्यक्ति हो सकता है और उन्हें आप उसे कन्वे कर रहे हैं उसका मतलब बता रहे हैं आप या नेरेट या नेरेशन जो शब्द है वो नेरेट से आया है नेरेट करना मतलब आप उसे व्याख्यान कर रहे हैं उसे और डिस्क्राइबिंग इंसिडेंट्स और ए कोर्स ऑफ इवेंट्स हो सकता है कोई ऐसा घटना घटा और उस घटना को आप उसे डिस्क्राइब करना उसका मतलब उसे थोड़ा विस्तृत रूप में आप उसे व्याख्यान करके बता रहे हुआ क्या था right. दूसरा इसके नाम है वो है रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच का मतलब गिविंग शेयरिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग दैट वन हैज ऑब्जर्व हर्ड डन और इन्वेस्टिगेटेड अब कोई भी घटना घटा होगा उसको कोई एक व्यक्ति जो है उसे ऑब्जर्व किया होगा अवलोकन किया होगा उसे उसे मतलब ध्यान से उसे निरीक्षण किया होगा देखा क्या वो उसके बाद हो सकता है कोई चीज उन्होंने सुना होगा हो सकता है वो घटना या जो काम के बारे में बता रहा है जो विषय के बारे में बता रहा है या सूचना दे रहा है हो सकता हो कि वो वो चीज को खुद किया होगा या तो यह भी हो सकता है कि उस कोई एक घटना घटी हो उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मतलब छानबीन कर रहा है उसको और वो जो इंफॉर्मेशन उसे मिला दीश ऑफ इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहा है किसी से वो शेयर कर रहा है इसका मतलब शेयरिंग मतलब साझा कर रहा है वो या किसी को वो बता रहा है वो सब दे रहा है वो सोच रहा है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच तीसरा नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन तीनों में कोई अंतर नहीं है बस अलग अलग नाम है इसके सो नथिंग टू गेट कंफ्यूज नथिंग टू वरी ऑल थ्री आर सेम बट इट हैज थ्री नेम्स तीन अलग अलग नामों से इसे बस कहा जाता है लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं है बातें एक ही है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच रिपीट द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस और वो स्पीकर के वर्ड्स को आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि एक की बातों को और कोई कह रहा है तो अभी महात्मा गांधी ने कुछ चीजें कहा है और वो चीजों को हम किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर रहे जीव के त्यों जैसे उन्होंने कहा है, शब्दों के बिना परिवर्तन किए हम जब उसे कहने लगते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच पर किसी ने कुछ कहा है उदाहरण के लिए जैसे महात्मा गांधी ने कुछ कहा है उनके शब्दों को अगर हम कुछ परिवर्तन करके और जब परिवर्तन करते हैं तो हो सकता है उन्होंने जो प्रोनाउन की इस्तेमाल किया था वो प्रोनाउन को हम लोग चेंज करना पड़ेगा जिस टेंस में उन्होंने बात किया है हो सकता है उसको टेंस को परिवर्तन करेंगे या जिस समय में उन्होंने कहा है वो समय को परिवर्तन करना जब हम नेरेशन पढ़ेंगे उसमें विशेषतः तीन चीजों के परिवर्तन होते हैं पहला है वो है प्रोनाउन और प्रोनाउन अलग अलग प्रकार के होते हैं वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव प्रोनाउन फिर टेंस चेंज हो सकता है जैसे प्रेजेंट और पास्ट टेंस है और टाइम रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे वो भी चेंज हो सकते स्टेप बाय स्टेप हम आने वाले वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट में उसे हर चीज को एक एक पार्ट के रूप में या एक एक वीडियो के रूप में उसे डिस्कस करें स्पीच दो प्रकार के हैं वो है डायरेक्ट स्पीच दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच किसी भी वाक्य को एक स्पीच से दूसरे स्पीच में ट्रांसफॉर्म करने से पहले वो रिटर्न फॉर्म ऑफ सेंटेंस को पहचानना जरूरी है पर सवाल ये है कि वो सेंटेंस पहचाने कैसे है? अगर कोई वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है तो ये चार प्रकार के रूल्स होंगे अगर ये चार प्रकार के रूल्स अगर पाए जाते हैं तो आप निश्चित हो जाए वो वाक्य डायरेक्ट स्पीच में रूल नंबर वन सेपरेटेड विथ ए कॉमा अगर एक वाक्य एक कॉमा के द्वारा सेपरेट हुआ हो लेट्स रीड दिस ही से कॉमा I आई एम अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी ये वाक्य जो है ये कॉमा से सेपरेट हुआ सो इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ और डायरेक्ट स्पीच दूसरा नियम है कोटेशन मार्क वाक्य कोटेशन मार्क के अंदर होंगे एनक्लोज इन कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क किसे कहते हैं ये जो ऊपर जो दिया गया है एक वाक्य के ऊपर में एक स्टार्ट होने वाला एक कोमा दिया हो और ये समाप्त होने वाला एक कोमा दिया हो दैट वी कॉल इट कोटेशन मार्क इस वाक्य को आप देख लीजिए पहला वाला एग्जाम्पल लिए थे ये स्टार्ट विथ कोटेशन मार्क और उसके बाद इट क्लोजेज विथ कोटेशन मार्क इसका मतलब ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है दूसरा वाक्य देख लीजिए राजा सेड टू हिज ब्रदर उसके बाद एक कॉमा है पहला वाला नियम के हिसाब से फिर दूसरा नियम के हिसाब से एक कोटेशन मार्क है ये स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग कोटेशन है और उसके बाद ये क्लोजिंग कोटेशन इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में है दोनों वाक्य तीसरा रूल्स फर्स्ट लेटर ऑफ द सब्जेक्ट ये जो सब्जेक्ट है ये कोटेशन मार्क के अंदर जो है ये जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में होना चाहिए कोई सा भी प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो ये कौन से लेटर में होंगे कैपिटल लेटर में होंगे स्मॉल लेटर में नहीं सो so ये देखिए वी है ये उसका फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है और ये कोटेशन मार्क के अंदर है और ये कैपिटल लेटर ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप आई ये तो हमेशा वैसे अकेले जब भी रहता है तब ये कैपिटल में ही होता है और इस वाक्य में भी कैपिटल है सो फोर्थ रूल्स क्या है एंड पंक्चुएशन मार्क दैट्स अ रूल ऑफ ए सेंटेंस एक कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क के साथ ये क्लोज होगा उसे कहते हैं हम लोग फुल स्टॉप राइट इसमें देख लीजिए पे फुल स्टॉप है और ये देख लीजिए ये फुल स्टॉप है और कुछ ऐसे वाक्य हैं अलग अलग प्रकार के पंक्चुएशन मार्क हो सकते हैं इस वाक्य में केवल फुल स्टॉप है और क्या हो सकता है पंक्चुएशन मार्क जैसे क्वेश्चन मार्क हो गए एक्सक्लामेशन हो गए तो ये सब को हम क्या कहते हैं पंक्चुएशन मार्क तो अगर कोई ना कोई एक पंक्चुएशन मार्क के साथ वो समाप्त हुआ हो तो ये चार चीजें अगर है तो फिर वो वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है अब चलो देखते हैं कैसे पहचाने वो इनडायरेक्ट स्पीच में है अब बात आती है कि एक वाक्य इंडायरेक्ट स्पीच में है उसे पहचाने कैसे सबसे पहली बात अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में है तो वो वाक्य कॉमा के द्वारा सेपरेट नहीं होगा और कौमा के बदले में दैट लगा हो। डायरेक्ट स्पीच में कौमा लगता था और एक वाक्य सेपरेट हो जाता था और उसके बदले में इनडायरेक्ट स्पीच में उसके जगह पे दैट लगा होगा दूसरा महत्वपूर्ण बात वो है कोटेशन मार्क उसमें नहीं होगा अगर कोटेशन मार्क अगर है तो वो वाक्य डायरेक्ट स्पीच है अगर कोटेशन मार्क अगर नहीं है वाक्य में तो फिर निश्चित हो जाए वो वाक्य डायरेक्ट में नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में है और एक इंपॉर्टेंट बात अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में है इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं तब आई जो है वो कैपिटल में होगा चाहे वो डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो और अगर प्रॉपर नाउन अगर है जैसे नाम वगैरह हो जाता है तो वो कैपिटल में होगा और बाकी सब स्मॉल लेटर में ही वो सब्जेक्ट्स। होंगे इसका मतलब द फर्स्ट लेटर ऑफ द सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर में ही होंगे और वो कैपिटल लेटर में नहीं होंगे जबकि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर जो रहता है वो फर्स्ट वाला वर्ड के फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होंगे लेकिन इन स्पीच में वो स्मॉल लेटर हो जाते हैं लेट्स टेक ही दैट वी देखिए यहाँ पे पहला वाला रूल्स के हिसाब से दैट है और इसमें कॉमा के द्वारा यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ है उसके बदले में क्या लगाया गया है दैट लगाया गया सब्जेक्ट यहां पे v है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होता तो ये डब्ल्यू ये कैपिटल में होता लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और इस कारण से ये स्मॉल लेटर है वैसे ही यहां पे राम देखिए ये राम ये थर्ड रूल्स के हिसाब से अगर ये प्रॉपर नाउन है तो चाहे वो डायरेक्ट स्पीच में हो या इनडायरेक्ट स्पीच में ये हमेशा कैपिटल में ही होता है। जब डायरेक्ट स्पीच की बात आता है और इन दो विभाजन या दो भागों को या दो अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं इसलिए इन दो नाम को आपका जानना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहला जो है उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्व दूसरा जो कहते हैं रिपोर्टेड वर्व या रिपोर्टेड स्पीच तो ये रिपोर्टिंग वर्व और ये रिपोर्टेड स्पीच हर डायरेक्ट स्पीच में होंगे ही होंगे और इसके कैसे पहचाने वो थोड़ा बहुत आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बता ही चुके हैं इसमें ध्यान दें आप जहां जहां जिस वाक्य के भाग में कोटेशन मार्क होगा इसका मतलब ये स्टार्टिंग कोटेशन एंड क्लोजिंग कोटेशन है ये ऊपर जो कॉमा वाला जो निशान जो दिख रहा है ये वाले हिस्सों को आप हमेशा मान के चलेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच और जिन हिस्सों में ये कॉमा होगा या कॉमा ना भी होगा पर ध्यान दे ये कोटेशन मार्क के अलावा जो हिस्सा रह जाता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे समझने और इसे याद रखने में बहुत ही आसान तरीका ये है एक हिस्सा जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हुआ है और एक हिस्सा जो है ing नहीं है ईडी लगा हुआ कभी कभार बात करते दौरान इस टर्म्स को याद नहीं रहता और कंफ्यूज हो जाता पर कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है बस याद रखे एक जो है वर्व वन प्लस आई रिपोर्ट प्लस आई है रिपोर्टिंग है जिसे हम लोग वर्ब फोर भी कहते हैं और दूसरा जो है वो हिस्सा है उसमें ईडी लगा हुआ है जो वर्ब टू वाला फॉर्म है राइट right? तो एक का नाम है रिपोर्टिंग दूसरा का नाम है रिपोर्टेड स्पीच है उसे रिपोर्टेड भी कहते हैं तो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड विटेड राइट रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच है राइट तो इसमें एक ही चीज आपको डिफरेंस करना है डिफ्रेंशिएट करना है एक ही बात को आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्या है वो कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्व है और कोटेशन मार्क के अंदर जो नहीं है उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्व एग्जाम्पल के तौर पे देखिये यहां पे लेट्स गो फॉर ए वर्क ये कोटेशन मार्क के अंदर है देखिए आप राइट स्टार्टिंग कोटेशन एंड क्लोजिंग कोटेशन और ये टॉम से कोटेशन लगा नहीं है दे एडवाइज इसमें देखिए डू नॉट स्टडी विथ हिम ये कोटेशन मार्क के अंदर है आई सेड कोटेशन मार्क नहीं है यहां पे। प्लीज हेल्प मी विद दिस ये कोटेशन मार्क है ही हिम कोटेशन मार्क नहीं है आर यू कमिंग टू द पार्टी ये कोटेशन मार्क है द टीचर सेड टू देम कोटेशन मार्क नहीं है कंप्लीट योर होमवर्क कोटेशन मार्क सो दो यूनिक नेम्स है क्या है रिपोर्टिंग वर्ब और एक का नाम है रिपोर्टेड वर्व या रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्व और रिपोर्टेड स्पीच ये जो डायरेक्ट स्पीच के जो दो पोर्शन है या दो हिस्से हैं जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा ही हमेशा रहे ये अदला बदली या रिवर्स्ड पोजीशन में हो सकता कभी तो ये रिपोर्टेड वर्व या रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब ये सेकंड में आ जाए और ये उसके उल्टा विपरीत भी, भी हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब ये पहले आ जाए और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब ये सेकंड में आ जाए सो so, इन दोनों के पोजिशंस आपको याद रखना जरूरी है कभी कभार ऐसे सवाल आएंगे आप चौंकना नहीं है देर इज नो डिफरेंस इन देयर मीनिंग बट सेंटेंस के जो हिस्से हैं इनके पोजीशंस डिफरेंट हो सकता अच्छा ये कॉमा के द्वारा डिवाइड किया जाता है देखिए यहां पे यहां पे कॉमा है और यहां पे देखिए कॉमा है तो ये रिपोर्टेड वर्ब के बाद कॉमा आ गया यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा आ गया पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और क्या है फुल स्टॉप पोजीशन देखिए यहां पे रिपोर्टिंग के आखरी में ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग के आखिरी में का स्टॉप है ये रिपोर्टिंग के आखिरी में क्या है कॉमा जब फर्स्ट में आता है रिपोर्टिंग तब ये कॉमा से सेपरेट हो जाता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब जब आखिरी में लगाया जाता है तो फिर ये समाप्त होता है फुल स्टॉप से देखिए कंप्लीट योर होमवर्क ये कोटेशन मार्क के अंदर है इसका मतलब ये रिपोर्टेड वर्ब द टीचर सेट ये कोटेशन मार्क में नहीं है इसका मतलब ये है रिपोर्टिंग वर्ब आई विल ऑलवेज बी दे फॉर यू ये कोटेशन मार्क के अंदर है इसलिए ये रिपोर्टेड वर्ब है ही कोटेशन मार्क के अंदर नहीं है इसलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है लेट्स गो फॉर ए वॉक ये कोटेशन मार्क के अंदर है ये रहा कोटेशन मार्क इसी कारण से ये रिपोर्टेड वर्ब कहला रहा और टॉम सेड ये रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है अब देखिए इसके विपरीत में देख लीजिए द टीचर साइड ये फर्स्ट में आया इसमें कोटेशन मार्क नहीं है और ये रिपोर्टेड वर्ब फर्स्ट में आया कोटेशन मार्क यहां पर देखिए रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच है कंप्लीट योर होमवर्क ये कोटेशन मार्क में ही साइड रिपोर्टिंग वर्ब ज बी देव फॉर यू ये रिपोर्टेड स्पीच है टॉम सेड रिपोर्टिंग वर्व Let's go for a walk. ये रिपोर्टेड स्पीच पर इन दोनों में और क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर प्रोनाउन नॉट नाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा इसमें जो पहला वर्ड के पहला वाला लेटर जो है यहां पे देखिए यहां पे ये स्मॉल लेटर में और यहां पे सेम चीज देखिए यहां पे फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल में इसका मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो रहा है फर्स्ट पोर्शन के रूप में आ रहा है तो इसके फर्स्ट लेटर कोई सा भी हो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन है या आर्टिकल हो कुछ भी हो फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होंगे लेकिन वही अगर सेकंड पोजीशन में अगर होंगे रिपोर्टिंग वर्ड तो इसके फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर आई और प्रॉपर नाउन के अलावा प्रॉपर नाउन मतलब जो नाम है वो प्रॉपर नाउन के अलावा बाकी जो भी वर्ड्स होंगे वो केवल ही केवल स्मॉल लेटर में ही होंगे यहां पे देखिए द टी एच ई आर्टिकल है ये टी स्मॉल लेटर है और यहां पे टी कैपिटल लेटर यहाँ पे देखिए ही ये प्रोनाउन है ये स्मॉल लेटर में है और यहाँ पे देखिए ही प्रोनाउन है ये कैपिटल लेटर में यहाँ पे देखिए टोम ये नाउन है प्रॉपर नाउन है और ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में है और यहाँ पे ये भी कैपिटल में इसका मतलब प्रॉपर नाउन और आए ये कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होते हैं, ये चाहे रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट में रहे या रिपोर्टिंग वर्क सेकंड पोर्शन के हिसाब में डायरेक्ट स्पीच में रहे इसके पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैपिटल ही रहते हैं लेकिन बाकी वर्ड्स जो है बाकी प्रोनाउन जो है वो सब जैसे ही इनके पोजिशन रिवर्स हो जाते हैं फर्स्ट पोजीशन में रहते हैं तो ये कैपिटल में रहते हैं सेकंड पोजीशन में जब आ जाते हैं तब ये स्मॉल लेटर में रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट पहला वाला हिस्सा हो या सेकंड वाला हिस्सा हो ध्यान रहे कोटेशन मार्ग में जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच और कोटेशन मार्ग में जो नहीं है वो है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट हो सकता अब सवाल उठ रहा होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट जो काम करता है या जो एक्शन करता है उसके एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर आता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट अब देखिए ही सेड इसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि ये सेड या कहने वाली काम जो उनने किया या ही आस्ट इसमें पूछने वाले बात जो की इसमें इसके प्रभाव किसी और के ऊपर नहीं पड़

विदाउट ऑब्जेक्ट भी एक वाक्य में हो सकता है आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट तो ऐसे भी कुछ वाक्य होंगे जहां पे आपके रिपोर्टिंग वर्ब के आखिरी उसमें ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसमें देखिए सी सेट टू हीम हिम क्या है ऑब्जेक्ट है ही आस टू देम देम क्या है यहां पर ये ऑब्जेक्ट सी से ह्या है ऑब्जेक्ट राइट यह सेकेंड पोजिशन में है अब इसी रिपोर्टिंग वर्ब को फर्स्ट पोजिशन में लेते अब देखिए सी साइड टू रिनू ये ऑब्जेक्ट है He asked her papa. Object है यहाँ पे papa सिर्फ नहीं है यहाँ पे her है, right? और देखिए mother. यहाँ पे सिर्फ mother नहीं है object, सिर्फ friend's mother नहीं है सिर्फ her नहीं है friend's mother. इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब एक वाक्य में कुछ पाया जाए तो एक वर्ड हो सकता है एक से अधिक हो सकता है और ये दो से अधिक भी हो सकता है यह प्रोनाउन के रूप में हो सकता है ये नाउन के रूप में रिनू इस नेम राइट ये नाउन है तो प्रोनाउन के रूप में हो सकता है और नाउन के रूप में हो सकता है और ये प्रोनाउन और नाउन के रूप में भी हो सकता है देखिए ह क्या है प्रोनाउन है और पापा क्या है नाउन है तो पापा प्रोनाउन प्लस नाउन के रूप में भी हो सकता है right? फॉर्म में है लेकिन उसे हम आसान तरीके से अगर समझे तो प्रोनाउन और नाउन के रूप में दोनों मिक्स होकर भी हो सकता है तो क्या चीज हमने सीखा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है इससे पहला वाला स्लाइड में हमने सीखा नहीं हो सकता है और इस स्लाइड में हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट हो सकता है तो ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में हो सकता है प्रोनाउन के रूप में हो सकता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो एक ही प्रकार के सेंटेंस नहीं होंगे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसीलिए कुछ एग्जाम्पल चुनिंदा कुछ वाक्य जो मैं आपके सामने रखा हूं जिससे बस थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए हर सेंटेंस के जो टाइप है उसको कन्वर्ट करने में कुछ ऐसे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे वो बाद में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस अलग अलग प्रकार के हैं और हर प्रकार के सेंटेंस को जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसके रूल्स अलग अलग हैं। उसमें कुछ अलग अलग चीजों को जोड़ा जाता है अलग अलग रूप में उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है बस आज की इस वीडियो में हम बस थोड़ा सा एक झलक अलग अलग प्रकार के सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं बस थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप वो कमांड वाला सेंटेंस हो सकता है द टीचर सेड कंप्लीट योर होमवर्क एक ऑर्डर झाड़ रहा है वो हो सकता है कोई प्रॉमिस करने वाला सेंटेंस हो सकता है सी सेड आई विल ऑलवेज बी विद देयर प्रॉमिस कर हो सकता है कोई सेंटेंस सजेशन वाला हो लेट्स गो फॉर ए वर्क हो सकता है कोई आश्चर्य सूचक वाला सेंटेंस विस्मय करने वाला सेंटेंस एक्सक्लामेटरी वी कॉल इट राइट व्हाट अ ब्यूटीफुल डे और व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल राइट हो सकता है कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला हो सकता है प्लीज हेल्प मी विद दिस प्लीज बरोमी टेन थाउजेंड रुपीज रिक्वेस्ट कर रहा है हो सकता है कोई क्वेश्चन हो सकता है आर यू कमिंग टू पार्टी हो सकता है कोई स्टेटमेंट सेंटेंस हो आई विल अटेंड द मीटिंग तो वैरायटी प्रकार के सेंटेंस है और आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप हर सेंटेंस को कैसे तरह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे वो प्रॉमिस सेंटेंस है तो कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सजेशन है तो क्या लगाएंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे कैसे बनाएं? रिक्वेस्ट है क्वेश्चन है, है या स्टेटमेंट सेंटेंस है या कमांड सेंटेंस है तो उसे किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा नथिंग टू वरी वी विल डील ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें दो चीजें निश्चित रूप में होता है वो है सब्जेक्ट हमने इससे पहले देखा कि ऑब्जेक्ट कभी होता है कुछ सेंटेंस में और कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता नहीं लेकिन चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे और वो भी सब्जेक्ट ऐसे की चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब में हो या रिपोर्टेड स्पीच में हो दोनों में सब्जेक्ट होंगे ही होंगे और ये सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है और ये प्लूरल फॉर्म में हो सकता है सब्जेक्ट कभी नाउन के रूप में हो सकता है और सब्जेक्ट कभी प्रोनाउन के रूप में हो सकता है Let's take example of each one of them, right? I said, Raj will be waiting for you at the station. यहाँ पे ये पहला वाला portion क्या है? ये है reporting verb, याद रखें। पहला वाला portion जो है, ing लगा वाला portion है, वो क्या है वो? Reporting verb, right? और सेकेंड वाला पोर्सन क्या है वर्ब टू राइट पास्ट फॉर्म वाला वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब में है आई सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में है राज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ टू सब्जेक्ट इस मैंडेटरी सब्जेक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट तो होगा ही होगा इट में बी ए नाउन इटमे बी इन प्रोनाउन फॉर्म राइट इसमें देखिए राजा आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन यहां पे राजा क्या है नाउन है और ये सब्जेक्ट है आई क्या है प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है फिर इट कैन बी सिंगुलर एंड इट कैन बी फ्लोरल आई सेट He will be waiting for you at the station. ये singular form है. अब देखिए राजा and रजनी said राज and रजनी said कितने सब्जेक्ट है राज एक है और रजनी एक है दो सब्जेक्ट हो गए प्लूरल फॉर्म में और यहां पे देखिए सिंगुलर है रवि विल बी वेटिंग फॉर यू at द स्टेशन सब्जेक्ट है सिंगुलर में कभी हो सकता है और कभी प्लोरल में हो सकता है सो सब्जेक्ट कैन बी नाउन फॉर्म राज नाउन फॉर्म में है रवि विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन रवि क्या है नाउन है और राज क्या है नाउन इसमें आई क्या था प्रोनाउन था ही क्या था प्रोनाउन इसमें देखिए राज नाउन है और रवि नाउन प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है ही सीट

होना अनिवार्य है और सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है और सब्जेक्ट प्लुरल हो सकता है सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो सकता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हो सकता है इस स्लाइड का टाइटल है विदाउट आउट ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट और विदाउट आउट ऑब्जेक्ट राइट सो यहां पे देखिए नो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन no राइट right? तो ऐसे कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं होंगे इससे पहले हमने चर्चा भी कर चुके हैं राइट इन रिपोर्टिंग वर्फ एंड इन रिपोर्टेड स्पेस दोनों के दोनों में आपको ना ऑब्जेक्ट मिलेंगे और ना आपको प्रपोजिशन मिलेंगे

आई विल बी वेटिंग इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं और कोई प्रोपोजिशन है ही नहीं इन सिंगुलर फॉर्म इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लोरल है आई सिंगुलर है पर्सनल प्रोनाउन और वी पर्सनल प्रोनाउन के इसके प्लोरल है और दोनों दोनों सिंगुलर हो या प्लोरल हो इन दोनों में कोई प्रपोजिशन नहीं है और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है पर एक बात आपने गौर किया होगा कि दोनों के दोनों में चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब हो या रिपोर्टेड स्पीच हो दोनों के दोनों में वर्ब आपको मिले रहे हैं बिना के काम हो ही नहीं रहा ये रिपोर्टिंग वर्ब इसमें देखिए आई इसमें वर्ब कौन सा है सेट ये सेकंड वाला सेंटेंस में कौन सा है सेट राइट right? और यहां पे राज विल बी वेटिंग इसमें वर्ब कौन सा है वेटिंग है ये विल बी भी है right? राइट और यहां पे देखिए आई सईट क्या है वर्ब है और यहां पे विल बी वेटिंग right? तो वर्ब तो है चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब हो या रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन दोनों के दोनों पोर्शन में वर्ब है ही है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है अब यहां पे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है और वहां पे हमने देखा था नो ऑब्जेक्ट नो प्रपोजिशन यहां पे देखेंगे प्रपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर है तो प्रेपोजिशन आना ही आना है प्रेपोजिशन इज मस्ट राइट तो इन रिपोर्टिंग एंड इन रिपोर्टेड स्पीच जब जब प्रेपोजिशन होंगे वहां पे आपके ऑब्जेक्ट होना ही होना है आई सेड टू हिम यहां पे क्या है प्रपोजिशन क्या है टू है इसका मतलब उसके बाद क्या आ रहा है ही तो जब जब प्रपोजिशन आएंगे प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या है वाक्य के वो ऑब्जेक्ट है इसी में देख लीजिए आप राइट फो क्या है प्रपोजिशन है फो के बाद क्या आ रहा है यू इसका मतलब यू क्या है यू ऑब्जेक्ट है सेकेंड सेंटेंस देखिए राज से टू अमित टू क्या है प्रपोजिशन है इसके बाद क्या आ रहा है अमित अमित क्या है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट राइट यहां पे देखिए फो इसके बाद क्या आ रहा है her. इसका मतलब ह क्या है यहां पे प्रपोजिशन इसका मतलब जहां जहां प्रपोजिशन आएगा उसके बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो क्या है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस इसमें आपने गौर किया होगा ऑब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर फॉर्म इन ऑब्जेक्ट कैन बी इन प्लूरल फॉर्म आप देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल आई सीट टू इवन प्रपोजिशन क्या है इसमें टू है और इवन क्या है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट यहां जो इवन है इवन सिंगुलर या प्लूरल है डेफिनेटली इवन इज सिंगुलर राइट इसके बाद देखिए फॉर फॉर क्या है ये प्रपोजिशन है इसके बाद क्या आ रहा है सिंगुलर है या प्लूरल है सिंगुलर अब देखते हैं प्लूरल के एग्जांपल राज टू टू क्या है टू प्रपोजिशन है प्रपोजिशन के बाद क्या आ रहा है रजनी एंड हर फ्रेंड रजनी एक हो गई और उसके फ्रेंड और एक हो गए दोनों है तो मोर देन वन मीन्स प्लूरल Ravi will be waiting for them. यहां पे for क्या है Preposition है For के बाद क्या आ रहा है Them. इसका मतलब them क्या है Plural है So object can be singular and object can be plural. पर object कब आता है Preposition के बाद जो आता है वो हम क्या मान लेते हैं उसे Object मान ऑब्जेक्ट कैन बी इन नाउन फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट कैन बी इन प्रोनाउन फॉर्म नाउन के रूप में भी हो सकता है और प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है आई सही टू श्रवण यहां पर टू क्या है प्रपोजिशन है प्रोपोजीशन के बाद क्या आ रहा है श्रवण श्रवण क्या है ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रोपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट है आई विल बी वेटिंग फॉर मारथा For क्या है प्रपोजिशन है उसके बाद क्या आ रहा है मार्था मार्था इज ए नाउन और ये सिंगुलर है अब देखिए नाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑल्सो राइट नॉट ओनली ऑब्जेक्ट जीवन जीवन इट जीवन क्या है सब्जेक्ट है लेकिन जीवन ऑब्जेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि इससे पहले अगर प्रिपोजिशन होता और प्रीपोजिशन के बाद अगर जीवन आया होता तब हम जीवन को क्या मान लेते ऑब्जेक्ट जैसे कि यहां पे प्रपोजिशन टू हुआ उसके बाद श्रवण आया इसलिए हम श्रवण को क्या मान लिया ऑब्जेक्ट और जीवन से पहले प्रपोजिशन नहीं था इसलिए जीवन नाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जीवन से टू इट यहां पे टू प्रपोजिशन है और एट क्या है ऑब्जेक्ट सो ही विल बी वेटिंग फॉर यू यहां पर प्रपोजिशन कौन सा है फो है इसके बाद क्या आता है यू इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर लेट्स मूव टू द्लाइड इस स्लाइड में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप टेंथ या ट्वेल्थ के पेपर दे रहे हैं तो ऐसे ट्रिकी सवाल आपको आएंगे आप अधिकतम लोग आपको नहीं बताएंगे इसलिए ध्यान से सुनिए इसको ये थोड़ा सा हमने अभी तक तो जो रूल सीखा था उससे थोड़ा सा हटके है आप पूछेंगे कैसे था इससे पहले हमने सीखा था जो कोटेशन मार्क के अंदर है वो सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच और जो कोटेशन मार्क के बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, राइट दूसरा एक चीज हमने सीखा था पोजिशन के बाद जो आता है वो है ऑब्जेक्ट नो प्रोपजिशन नो ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट नो प्रपोजिशन पर यहां पे उन रूल्स से थोड़ा सा हटके हम देखने वाले हैं। दोस्त और एक बात जो है ऑब्जेक्ट है किसी का और वो है और कहीं ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए जो भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं चाहे वो टेंथ का हो ट्वेल्थ का हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो एक ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन तो बनता ही है और इसी में थोड़ा सा अगर आप भूल चुक कर लेते हैं इफ यू फेल टू आइडेंटिफाई देन यू आर टोटली गॉन तो यहां पर देखे ये कोटेशन मार्क के अंदर है क्या है रीनू आई विल ऑलवेज बी दे फॉर यू ये कोटेशन मार्क के अंदर है तो ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच राइट लेकिन यहां पर यह रीनू वर्ड जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा नहीं है तो आप पूछेंगे किसका है फिर ये है रिपोर्टिंग वर्ब का है या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या कर रहा अगर है भी है तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये रिपोर्टेड वर्ब के हिस्सा नहीं है ध्यान से देखें, नाम लिखा हुआ है उसके बाद या ये एड्रेसिंग वर्ड जो है उसके बाद एक कॉमा है याद है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब खास करके उसके आखिरी में क्या होता है ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं या ऑब्जेक्ट ना भी हो तो क्या लगाते हैं कॉमा से हम लोग समाप्त करते और ये एक्चुअली क्या है इसका हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब राइट ही सेड टू सेनू एक्चुअली एड्रेस कर रहा है और क्या है आई विल ऑलवेज बी दे फॉर यू ये एक्चुअली क्या है रिपोर्टेड स्पीच और रिनू ही साइड टू रिनू, राइट और ये फुल स्टॉप को हटा दीजिए आप और इसके बाद यहां पे रिनू लिखने के बाद आप इसमें कमा दीजिए आप देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा पहला हमने नॉर्मली सीखा था कि भाई प्रपोजिशन आएगा ही इसमें अगर ला लेते हैं He said. उसके बाद अगर रिनू आता है तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा टू फिर उसके बाद ही हम रिनू लिखेंगे नहीं तो ग्रामीटिकली बी आर रॉन्ग लेकिन ये बिना प्रपोजिशन के आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो आपको ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखेंगे कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे और आप लिखने के बाद लेकिन आपको कौमा लगाना पड़ेगा तब भले ही ये रिपोर्टेड स्पीच के जोन में है उस एरिया में है लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब के पोर्शन नहीं है बल्कि कहां का है ये? ये रिपोर्टिंग वर्ब का है तो ये कभी शुरुआत में हो सकता है राइट कोट एंड कोट रिपोर्टेड स्पीच के और ये आखिरी में भी हो सकता है देखिए आई विल ऑलवेज बी there फॉर यू कोमा दे दिया उसके बाद रिन्यू इसके बाद आपको कोमा देने की जरूरत नहीं है कोटेशन मार्क क्लोज उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा कॉमा पंक्चुएशन का बहुत ही मायने रखता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखे राइट इसमें अगर पहला वाला सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होता तो कॉमा से हम लोग एंड करते Right? और ये स्टार्टिंग में होता और ये फुल स्टॉप में यहाँ पे खत्म हो रहा देखिए यहां पे रिनू ऑब्जेक्ट जो है बिना प्रपोजिशन के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये किसके रिपोर्टिंग वर्ब के और कॉमा के साथ खत्म हो रहा है भले ही ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है सेकंड सेंटेंस में ये सेकंड पोजिशन में है मतलब आखिरी में है यहाँ पे और ये कोटेशन मार्क के अंदर ही है लेकिन यहां पे रिनू के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद यहां पे कॉमा नहीं दिया है जबकि हमने फर्स्ट सेंटेंस में कॉमा दिया यहां पे कॉमा नहीं दिया दिया है लेकिन कोटेशन मार्क के बाद दिया है उसके बाद और एक पोजिशन देख लीजिए द टीचर सेट कॉमा दे दिया आपने यहां पर स्टार्टिंग में हमने माइकल उसके बाद कोमा दे के कंप्लीट योर होमवर्क और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस ये दोनों सेम टू सेम है राइट और ये दोनों सेम टू सेम बस जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गिव यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड टू मेक द कंसेप्ट वेरी क्लियर ऐसी क्लैरिटी रहे कि किसी भी तरह से सवाल आए आप कभी द्वंद्व में नहीं रहेंगे आसान तरीके से आप कर सकते यूनिक प्रेजेंटेशन यू कैन फाइंड इट इन गुरु चैनल। अगर अच्छा लग रहा है बहुत ही बढ़िया समझाया जा रहा है और हटके है और सभी आइडियाज एक ही वीडियो में एक ही चैनल में तब इसे लाइक और सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि जैसे जैसे आपको नए नए वीडियो अपलोड होंगे इस चैनल में आप तक पहुंच जाए सेकेंड एग्जाम्पल क्या था टीचर साइड कंप्लीट होमवर्क आखिरी में आया माइकल तो दो तरह से इसे लिख रहे हैं शुरू में भी हो सकता है और ये आखिरी में भी हो सकता है शुरू में भी हो सकता है और आखिरी में भी हो सकता है एक्चुअली ये क्या है ये जितने भी ऑब्जेक्ट आप ये चार एग्जाम्पल देख रहे हैं ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट कौन से पोर्शन का है रिपोर्टिंग वाव का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेरेशन में सब्जेक्ट चेंज एक महत्वपूर्ण विषय और जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं मेरा कहने का मतलब जो स्पीकर की बात करते हैं तो दो प्रकार के स्पीकर हो सकते हैं एक प्राइमरी स्पीकर जिसे हम ओरिजिनल स्पीकर कहते हैं और दूसरा है सेकेंडरी स्पीकर आप जब तक सब्जेक्ट को या स्पीकर को समझेंगे नहीं अलग अलग सीनारियों को आप अगर समझेंगे नहीं अलग अलग सिचुएशन को समझेंगे नहीं सब्जेक्ट कौन है और वो किससे बात कर रहा है कौन किससे बात कर रहा है या कौन किसके बारे में कह रहा है और कौन किससे कह रहा है कौन किसके बारे में किससे कह रहा है ये हमारे बातचीत का बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए ही हम नरेशन में प्रोनाउन वगैरह चेंज कर लेते हैं समय चेंज कर लेते हैं टाइम रिलेटेड वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं ताकि लोगों को समझ में आए जब टाइम वर्ड्स को चेंज करते हैं तब तो वो कब कहा था और किसके बारे में कह रहा है और जब आप टेंस चेंज करते हैं तो भाई उसी में भी वही बातों को आते हैं। और फिर आप जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं या स्पीकर को चेंज करते हैं उसमें प्रोनाउन वगैरह चेंज करने लगते हैं तब समझ में आ रहा है कि भाई जब बोल रहा है वो खुद के बारे में कह रहा है या वो किसी और के बारे में कह रहा है या उसने क्या कहा था वो कह रहा है ये सब समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और वो सब अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर किसी और की बातों को कह रहा होगा और लोग मान रहे हैं कि भैया जो कह रहा है अभी फिलहाल सेकेंडरी स्पीकर है उसी के जुबानी है इसलिए बातें जो रखी जा रही है वो किसकी जुबानी है और किसकी कहानी है ये समझना बहुत जरूरी रहता है इसलिए हम लोग प्रोनाउन वगैरह या सब्जेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं तो इसमें मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इज सेम कभी कभार ऐसे रहता है कि भैया वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब में जो सब्जेक्ट है ये दोनों अक्सर सेम रहता जैसे रवि सही टू हीम या रवि सही टू राजू आप प्रोनाउन के रूप में भी ले सकते हैं या उसे नाउन के रूप में भी ले सकते हैं आई हैव एन इंटरव्यू टू तो ये रवि कह रहा है किससे उसे कह रहा है या राजू को कह रहा है क्या कह रहा है कल मेरा एक इंटरव्यू है अब ये मेरा या आई बोल के जो यहां पे इस्तेमाल किए हैं तो ये रवि जो कह रहा है ये किसके बारे में कह रहा है राजू से कह रहा है रवि किससे कह रहा है राजू से कह रहा है चलो ठीक है पर रवि किसके बारे में कह रहा है कि उसका इंटरव्यू है मेरा इंटरव्यू है बोल रहा है कौन कह रहा है रवि कह रहा है तो यहां पे ये

किसी और के बारे में नहीं कह रहा है कह तो रहा है किसी और से कभी कभार खुद से भी कहने लगते हैं right. लेकिन यहां ये यह वाक्य जो है रवि अपने बारे में राजू से कह रहा है तो सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब में है वो ही सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में यह एक प्रकार का सेनाडी

To her, लड़की है तो उसे हम नाउन के रूप में ले लेते रजनी We have an interview tomorrow, right? तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग वर्व का इवन है सब्जेक्ट नाउन के रूप में है यहां पर यह सब्जेक्ट है राइट right? अच्छा इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट कौन है वी है ये वीवन अगर एक है तो भाई वो कभी वी वी नहीं कहना चाहिए था आई कहना चाहिए था आई एन इंटरव्यू टुमारो लेकिन वो कह रहा है कि वी हो सकता है कि जिससे कह रहा हो जैसे रजनी से कह रहा है उसे कह रहा है कि हमारा कल एक इंटरव्यू है हो सकता है कि ये ईवन जो है राइट right? ये ईवान कह रहा है कि भाई उसके संग और कुछ लोग हैं और खुद के बारे में ही नहीं किसी और के बारे में कह रहा है। right. तो यहाँ पे ये बाद में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कौन सा पोर्शन है राइट right? फॉर्मूलाज हैं वहां पे चेंज कैसे किया जाता है वो उसमें हम इन डिटेल वो स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे प्रोनाउंसें चेंज कैसे करते हैं उसी

इसमें देखिए ईथन और यहाँ पे है वहां पे इससे पहले वाले में हमने देखा कि वही हो सकता है डिफरेंट तो है लेकिन वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया उसके अंदर ये भी आ सकता है कौन ईथन भी आ सकता है लेकिन इस वाक्य में देखे ईथन रिनू You have an interview tomorrow. इसका मतलब रीनू का है वो. Right. किसका इंटरव्यू है इंटरव्यू किसका इंटरव्यू है रीनू का है तो इट मींस यू जो यहां पर प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया किसके बारे में ये रीनू के बारे में तो रीनू से कह रहा है यू हैव एन इंटरव्यू सो बोथ द सब्जेक्ट आर डिफरेंट विच आर द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इन

अभी मैं फिलहाल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इन सारे शब्द को इतना इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता हो कि आपको वो जानकारी ना हो पर प्रोनाउन के वीडियो में जब आएंगे प्रोनाउन चेंज के उसमें हम पूरे चार्ट बना के उसे डिटेल दिख लेंगे कि भाई प्रोनाउन कितने कितने प्रकार के तिके 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 होते हैं और वो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है पोजेसिव है या राइट एडजेक्टिव है तो वो पूरे चीज को हम लोग इन डिटेल देख लेंगे पर इसमें बस थोड़ा तो सा सिनारियो आप समझिए कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब में जो रहता है सब्जेक्ट हो सकता है कि वो रिपोर्टेड वर्ब में जो सब्जेक्ट पाया जाता है वो डिफरेंट हो सकता है वो सेम हो सकता है और सकता है कि वो खुद मिलके उनके संग भी है वो खुद को मिला के कह रहा है तो अलग अलग सिचुएशंस हो सकते

इसको लग, हम हाव ना करके उसमें क्या कर देंगे मर के इससे उसे हम कर लेंगे हैज सी अगर होगा तब भी हैज सो ही हैज एन इंटरव्यू टुमारो हो सकता है कि सी हैज एन इंटरव्यू टुमारो और दे हैव एन इंटरव्यू टूमोरो सो माइकल रेनो सो रिनो हैज बीन सेड और गिवन द इंफॉर्मेशन बट इट इज नॉट अबाउट रिन इसमें सब्जेक्ट जो पाया जाता है यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्ट स्पीच में ये डिफरेंट है और रिनू से कह तो रहे हैं शेयर कर रहे हैं लेकिन ये सब्जेक्ट ना ये ऑब्जेक्ट वाले हैं ये सब्जेक्ट ना सब्जेक्ट वाले है ये बिल्कुल डिफरेंट तो दीज आर दी डिफरेंट Scenarios. इन सब्जेक्ट को हमें देखने पड़ेंगे कौन किससे बात कर रहा है किसके बारे में कौन बात कर रहा है सो इंट्रोडक्शन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि केवल कुछ जनरल रूल्स नहीं और कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं बस इंट्रोडक्शन के रूप में आपसे कहना चाह रहा हूं इंट्रोडक्शन के रूप में जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बताऊं कि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं और वो सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन भी एक विशेष रूल्स में होते हैं कुछ जनरल रूल्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल रूल्स होते हैं जनरल रूल्स जो होते हैं वो सभी प्रकार के सेंटेंस के लिए लगभग उपयोगी रहता है और स्पेशल रूल्स जो होता है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए ही वो लिमिटेड है तो हम अलग अलग, अलग प्रकार के देखेंगे वो असटिव सेंटेंस होगा फिर इम्पेटिव होगा एक्सक्लामेटरी होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे और डायलॉग स्टाइल में किस प्रकार से हो सके तो ये हर सेंटेंस का जो प्रकार है इसको हम अलग अलग, अलग अलग प्रकार के वीडियोस में उसे प्रस्तुत करेंगे विद एग्जॉस्टेड एग्जाम्पल्स हाँ मल्टी एग्जाम्पल्स होंगे ताकि आपको तरह तरह के जो वैराइटीज में आपको प्रस्तुत किया जाएगा उससे आप बिल्कुल बढ़िया रूप में उस पार्ट को अच्छे से समझ एक्सेप्शन्स भी होंगे मतलब कहते हम लोग उसका मतलब भले ही वो रूल्स एक जगह पे काम कर रहा होगा लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें वो रूल स्पेशल रूल्स भी जो है ना उसमें लागू नहीं होगा तो ऐसे भी कुछ जो रूल्स हैं उसको भी हम लोग आगे डील करने वाले थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी इट वॉज ए प्रेसियस टाइम विद यू आशा रखता हूं कि यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और आपके लिए लाभदायक भी अगर आपको लगता है इस तरह क्रिएटिव इंफॉर्मेटिव और यूनिक प्रेजेंटेशन वीडियो आपको देखना है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना बोले और भी सीरीज ऑफ वीडियोस इसी पार्ट के आने वाले हैं ये तो बस ट्रेलर था बस इंट्रोडक्शन था और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए जल्द ही जल्द लेके आने वाला हूं तब तक के लिए विदाई दे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मच